राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम् प्रस्तौति। पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनिशाला। अस्तु तर्हि चलामः सप्तम कक्षायाः ध्वनिशालायाम्। नमस्कार, मैं जतिंद्र मोहन मिश्रा NCERT के भाषा शिक्षा विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। हम इसके पहले सप्तम कक्षा के संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन शुरू कर चुके थे। पहले कड़ी में हमने इस पाठ के चार श्लोक, चार सुभाषित अच्छी तरह से पढ़े थे। अब आगे हम पांचवा श्लोक शुरू करते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसका अर्थ, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कहा सुखी भवेत्, कौन सुखी होता है? त्यक्त लज्जः। त्यक्त लज्जः शब्द का अर्थ है त्यक्ता, लज्जा, येन सह। अर्थ है जिसने लज्जा को त्याग दिया, त्यक्त लज्जः। इस प्रकार से हम बहुव्रीही समास करते हैं। आप विद्यार्थियों संस्कृत पढ़ने से पहले दूसरी भाषाओं को पढ़े होंगे, जैसे हिंदी या कोई प्रांतीय भाषा, वहाँ पर भी कुछ कुछ व्याकरण पढ़े होंगे, तो उसमें समास का व्याकरण भी आपने नियम सहित पढ़ा होगा, तो वहाँ एक बहुव्रीही समास आप याद कर सकते हैं। तो ये त्यक्त लज्जः एक बहुव्रीही समास है, त्यक्ता, लज्जा, येन सह, त्यक्त लज्जः। इसी प्रकार से आप कई और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि त्यक्तम सुखम, येन सह त्यक्त सुखः। आप कुछ भी ऐसे शब्द बना सकते हैं। तो त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, जिसने लज्जा को त्याग दिया वो सुखी होता है। तो लज्जा को त्याग कब देना है? कह रहे हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य का जब प्रयोग होता है, जब उनका उपयोग होता है, व्यवहार होता है, यानी अगर आपको किसी को पैसे देने हैं या पैसे उससे लेने हैं, या आप कुछ उनको अनाज देना चाहते हैं, या आपके ऊपर कुछ उधारी है और आप उसको चुकाएंगे, या कोई आपको चुकाने वाला हो, तो ये है धन धान्य प्रयोग। विद्यायाः संग्रहेषु च, इस बात को विद्यार्थी बड़े ध्यान से ग्रहण करना चाहिए कि विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यानि जब विद्या का संग्रह करने की बात हो, ज्ञान की बात हो, ज्ञान लेने की बात हो, नॉलेज बढ़ाने की बात हो, तो आपको लज्जा नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं विद्यार्थी अगर कोई मन में शंका है या कुछ समझ में नहीं आया है तो शिक्षक से, शिक्षिका से पूछने से कतराते हैं, वो शर्मा जाते हैं प्रश्न करने से। उनको लगता होगा कि टीचर को पता चलेगा कि उसके पास वो ज्ञान नहीं है, इस बात से वो सहम जाता है बच्चे। तो ये ठीक नहीं है। अगर आपको विद्या के अधिकारी होना है, अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वहाँ लज्जा त्यागनी ही पड़ेगी। तो विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, वैसे ही धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो धन धान्य प्रयोग यानी उधारी किसी का अगर हमारे पास है या हमारा किसी के पास है, तो वहाँ पर
हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, साफ साफ बात करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से और कहाँ कहाँ लज्जा त्यागनी चाहिए? आहारे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी मेहमान के घर गए हैं या आप किसी शादी ब्याह में अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आहार मिलता है आपको खाने की कुछ इच्छा है लेकिन आप मांग नहीं पाते हैं। कोई चीज़ आपको खाना नहीं है फिर भी आपको कोई दे रहा है, आप उसको मना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, यहाँ पर अगर आप लज्जाशील होंगे तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपको खाने की इच्छा है लेकिन लज्जाकरण आप नहीं मांग पाए तो उसका आनंद नहीं मिल ले पाएंगे, दुखी हो जाएंगे। वैसे कोई चीज़ आप नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते हैं फिर भी किसी ने आपको दे दिया, आपने मना नहीं किया और आप फेंक नहीं पा रहे हैं तो तब भी आपको दुख होगा। तो इस प्रकार से आहार में भी लज्जा को नहीं रखनी चाहिए। अभी तक तीन स्थान बताए, धन धान्य प्रयोग, विद्याया संग्रह और आहार, और चौथी जगह है व्यवहार। व्यवहार शब्द का अर्थ यह है कि हम अपना जो डेली बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कि हम किसी को प्रणाम करते हैं या किसी के साथ हम हैंडशेक करते हैं, किसी को हेलो बोलते हैं, इस प्रकार के जो हमारा कल्चरल एक्सचेंजेस हैं वो है व्यवहार। धन धान्य प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में, ये चार जगहों पर जो लज्जा को त्याग देता है वो व्यक्ति सुखी होता है। तो धन धान्य प्रयोगेशु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, आहारे त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। ये है इस श्लोक का अर्थ। तो अब दोबारा मैं सुनाऊंगा और आप सुनकर उसको समझेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब छठा श्लोक। क्षमावशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। कह रहे हैं जो लोक है, ये जो संसार है, ये क्षमा वशीकृति ही है, अर्थात क्षमा से ये वश में हो जाता है ये लोक। क्षमा वशीकृति ही लोके, यानी लोक में क्षमा से वशीकरण कर दिया जाता है। वशीकृति शब्द का अर्थ है वशीकरण, यानी इस लोक में क्षमा ही वो शक्ति है जिससे वशीकरण किया जा सकता है। तो यानी क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या क्या साधित नहीं हो जाता है, यानी अगर आपने क्षमा करना सीख लिया तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो चाहें आप हासिल कर सकते हैं, आपके मार्ग में कोई अवरोधक नहीं रहेगा अगर आपने क्षमा करना सीखा है तो। शांति खड्ग करे यस्य, कर शब्द का अर्थ है हाथ, यस्य करे शांति खड्ग अस्ति, यानी शांति खड्ग शांति रूपक वो खड्ग है, खड्ग यानी तलवार, यानी वो तलवार आपके हाथ में है जिसको शांति कहते हैं, यानी आप पूरी तरह से शांत है तो आपके हाथ में शांति खड्ग है। ये एक प्रकार के आलंकारिक भाषा का प्रयोग है कि शांति खड्ग, यानी कभी शांति और खड्ग का संबंध कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अरे उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है कि वो शांत है। तो वो शक्ति इतनी बड़ी होती है कि कोई भी कितना भी भयंकर आपदा उसको संकट में नहीं डाल सकता, वो शांत ही रहता है तो कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या कर लेगा, जो शांत है, जो बिल्कुल झगड़ा नहीं करता है तो उससे तो झगड़े बढ़ ही नहीं सकते। तो कितना भी दुर्जन होगा वो उसको एक बार तंग करेगा, लेकिन अगर वो पलट कर कोई
उसको रिएक्शन नहीं दिखाएगा, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो ये दुर्जनक कितना उसको तंग कर सकता है, तो मजबूर होकर वो उसको छोड़ ही देगा। तो वही कह रहे हैं कि शांति खड़ग है उसके हाथ में, तो दुर्जन भी उसका कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसका पहला वाक्य में उसका जो कारण बताया था कि लोके क्षमा वशीकृति ही अस्ति, इस लोक में, इस धरती पर, ये संसार में क्षमा से वशीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक से क्षमा एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने जीवन में हासिल करना चाहिए, हमें उसको सीख लेना चाहिए कि हम किस तरह से क्षमा कर सकें। अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी आप माफ़ भी कर दीजिए और आप भूल भी जाइए। अगर आपके प्रति किसी ने कोई नुकसान किया है तो उसको माफ़ भी कर दीजिए और आप भूल भी जाइए, तो फिर इस प्रकार से आप मानसिक रूप में सुदृढ़ रहेंगे और स्थिर रहेंगे, तो आगे अपने जीवन को आप आसानी से ले सकते हैं। अगर कहीं कुछ अगर आपको नुकसान होता है और उसको लेकर अगर आप बहुत चिंतित रहेंगे, व्याकुल रहेंगे और आगे अपने जीवन को बढ़ाएंगे नहीं और वहीं पर उसी के ऊपर आप पूरा एनर्जी वेस्ट कर देंगे, तो आपका जीवन बड़ा दुखद हो जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि आपको क्षमा करनी आनी चाहिए, और आपकी क्षमा से दूसरे का उपकार तो होता ही है, दूसरा व्यक्ति लाभान्वित तो होता है, किंतु उससे ज़्यादा लाभ आपको स्वयं मिलता है। अगर आप क्षमा करना जानते हैं तो उसमें लाभ आप ही का है, और आपके क्षमा के गुण से लाभ किस प्रकार से आपका है, क्योंकि पूरा लोक जो है, पूरा संसार जो है, आपका समाज जो है, आपके पारिपार्श्विक जो लोग हैं, परिजन हैं, वो सब आपके वश में रहेंगे, क्योंकि आप उनकी गलतियों को कभी ना कभी क्षमा किए थे। तो क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो इस प्रकार से सुभाषितानि, इस पाठ के 6 सुभाषितों का आपने अर्थ समझ लिया। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम इसमें कुछ विशिष्ट, अगर कुछ व्याकरण के प्रयोग या रूप, उनको थोड़ा समझते हैं। कुछ विभक्ति के रूप, कुछ पदों के रूप, इसको हम जानते हैं, और उस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग करते हुए संस्कृत भाषा में अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं। तो पहले ही श्लोक में हम एक विशेष बात देखते हैं जिसमें कई सारे नपुंसक लिंगी पदों का प्रयोग है। जैसे त्रीणी, त्रि शब्द के नपुंसक लिंग में, वैसे त्रि शब्द के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग में उसका रूप होता है त्रयः, स्त्रीलिंग में होता है तिस्रः, और नपुंसक लिंग में होता है त्रीणी। तो नपुंसक लिंग में ये बहुवचन रूप है, वैसे त्रि शब्द जो है वो नित्य बहुवचनांत ही होता है। क्यों? क्योंकि त्रि शब्द का एक वचन और द्विवचन कैसे हो सकता है, उसका तो अर्थ ही 3 है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन अगर एक वस्तु है तो, द्विवचन अगर 2 वस्तु है तो, और उससे अधिक अगर वस्तु है तो बहुवचन। तो त्रि शब्द स्वाभाविक रूप से बहुवचन ही रहेगा। तो त्रीणी, रत्नानि, रत्न शब्द नपुंसक लिंगी है इसलिए प्रथमावति बहुवचन में रत्नानि। 6ठी के कक्षा में भी आपने पढ़ा ही होगा फल शब्द का रूप कैसे चलता है, फलम, फले, फलानि, वैसे ही रत्नम, रत्ने, रत्नानि, और यही नपुंसक लिंग जलम भी है और अन्नम भी है और सुभाषितम भी है। तो ये सभी नपुंसक लिंग पदों का आपने यहाँ पर प्रयोग देखा है। तो जब आप वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ध्यान में रहे कि आपने उस सुभाषित में उस पद को नपुंसक लिंग में पाया था, क्योंकि होता ऐसा है कि संस्कृत में पुल्लिंगी शब्द अकारांत और नपुंसक लिंगी अकारांत दोनों मिलते हैं, तो हम अकारांत शब्दों को देखकर ये तय नहीं कर पाते कि पुल्लिंग में रूप चलेगा देवः, देवौ, देवाः की तरह, या नपुंसक लिंग में रूप चलेगा फलम, फले, फलानि की तरह। तो ऐसे में हमारे लिए कोई
सीधा उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है कि हम जितने साहित्य पढ़ रहे हैं या जितने हम अपने शिक्षक से या कोई अलग स्रोत से रिसोर्सेस से हम सुन रहे हैं देख रहे हैं, वहाँ हम ऑब्जर्व करें कि ये नपुंसक लिंग में रूप हुआ है या पुल्लिंग में रूप हुआ है। आप अगर ये सुभाषित याद रखेंगे तो जब कभी आपको जल शब्द को प्रयोग करना होगा, अन्न शब्द को प्रयोग करना होगा, रत्न शब्द को प्रयोग करना होगा, सुभाषित शब्द को प्रयोग करना होगा, तो आप याद करेंगे कि नहीं, ये सारे शब्द जो है उस श्लोक में नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुए थे, तो इनका जो सही लिंग है वो नपुंसक लिंग है। वैसे ही पाषाण खंडेशु पाषाण खंडम ये भी नपुंसक लिंगी शब्द है, लेकिन पुल्लिंगी शब्द और नपुंसक लिंगी शब्द के भेद केवल प्रथम अभिव्यक्ति और द्वितीय अभिव्यक्ति में ही दिखता है। देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान, और वहाँ पर फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे दो प्रकार के रूप चलते हैं। लेकिन तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंगी शब्द और नपुंसक लिंगी शब्द के रूप एक ही होते हैं। पहले श्लोक में जो पृथिव्याम शब्द है वो पृथिवी दीर्घ इकारांत शब्द के सप्तमी एकवचन है, मूढ़े ही ये मूढ़ शब्द के तृतीय बहुवचन है। दूसरे श्लोक में आपको तृतीय विभक्ति के रूप कई सारे मिलते हैं, जैसे कि सत्येन सत्येन ये शब्द के तृतीय विभक्ति रूप जो है वो कई जगहों पर आपको मिलते हैं। और यहाँ पर जो सत्येन जो तृतीय विभक्ति है वो हेतु अर्थ में तृतीय है, कारण अर्थ में तृतीय है। तो इस प्रकार से आप भी अपने वाक्यों को जब प्रयोग करते हैं आप इस पर कारण अर्थ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे श्लोक में मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पर बहुत सारे सप्तमी विभक्ति के रूप हैं, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये, तो वहाँ पर जो एक तपस शब्द है वो सकारांत यानी व्यंजनांत पद है, बाकी सब अकारांत शब्द होने के कारण और अकारांत नपुंसक लिंग कारण होने के कारण उन सब का एक जैसे रूप है, दाने शौर्य विज्ञाने विनये नये। चौथे श्लोक में सद भी ही इस पद का आपको लगातार कई बार प्रयोग मिलता है, सद भी ही असद भी ही, तो सत शब्द तकारांत शब्द है जिसका व्यंजनांत रूप अलग से चलता है। आपको एक कोई व्यंजनांत शब्द अगर आपने याद कर लिया, चाहे मरुत हो चाहे भूभृत हो चाहे गच्छत हो, कोई भी एक व्यंजनांत पद को व्यंजनांत शब्द को याद कर लिया तो आपको सभी व्यंजनांत शब्द सहज ही आने लगेंगे। तो यहाँ पर सत शब्द है, दकारांत या तकारांत शब्द है, और उसी का तृतीय विभक्ति एकवचन सद भी ही, और सह शब्द जो है वो सह शब्द का सह शब्द एक अव्यय पद होता है, और उसी का जब प्रयोग होता है तो जिसके साथ ये अर्थ होता है उस पद का तृतीय विभक्ति होता ही है। तो यहाँ पर सद भी ही जितने बार भी आया है, सद भी ही हो या असद भी ही हो, यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति है इसको हम कह सकते हैं कि सहार्थे तृतीय विभक्ति, यानी सह का अर्थ वहाँ पर है इसलिए वहाँ पर तृतीय विभक्ति रूप हुआ है। तो ये चौथे श्लोक में विशेष बात है। और पांचवें श्लोक में आपने देखा एक विशिष्ट बहुव्रीही समास हुआ था, त्यक्त लज्जा त्यक्ता लज्जा येन सह, और वो होता है बहुव्रीही समास त्यक्त लज्जा यानी जिसके द्वारा लज्जा त्याग दी गई। तो इसी प्रकार आप कई सारे बहुव्रीही समास खुद रच सकते हैं, और जब जब आपको ऐसा कोई उदाहरण दिखता है उसके ऊपर आप नज़र जरूर रखिए। और उसी श्लोक में कई सारे सप्तमी विभक्ति के रूप हैं वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। धन धान्य प्रयोगेशु सप्तमी बहुवचन, प्रयोग शब्द पुल्लिंगी शब्द है अकारांत है उसका प्रयोगेशु सप्तमी बहुवचन, संग्रहेशु संग्रह शब्द का सप्तमी बहुवचन वो भी पुल्लिंगी शब्द है, आहार शब्द भी पुल्लिंगी शब्द है, व्यवहार शब्द भी पुल्लिंगी शब्द है, और इन सभी का ये दोनों का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, आहारे व्यवहारे। तो पांचवें श्लोक में ये कुछ विशेष
व्याकरण के रूप हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए। व्याकरण के रूप को ध्यान में रखने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप उसी प्रकार के शब्दों को लेकर वाक्य में प्रयोग करें, अभ्यास करें। अगर वो आप अभ्यास नहीं करेंगे तो केवल किताब में पढ़कर आप किताब तो समझ जाएंगे लेकिन उस ज्ञान का आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे। अब छठे श्लोक के ऊपर ध्यान दें तो वहाँ कौन कौन से खास व्याकरण का प्रयोग दिख रहा है। दो समास हैं, समास के शब्द क्षमा वशीकृति ही और एक है शांति खड़गा। इसका हम विग्रह कैसे करें, कैसे वाक्य बनाएं इसका अर्थ? अर्थ तो मैंने जब आपको हिंदी में बताया था तो उसका अर्थ आपको समझा दिया था, उसी को संस्कृत में कैसे कहें? शांति खड़गा, शांति रूप खड़गा, शांति रूपक तलवार, यह अर्थ मैंने बताया था। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का समास होता है जिसको हम कहते हैं मध्यम पदलोपी या मध्य पदलोपी कर्मधारय। तो शांति खड़गा ये मध्य पदलोपी कर्मधारय है क्योंकि उसमें बीच में जो मध्य पद था रूप वो यहाँ पर लुप्त हो गया है, तो शांति के साथ खड़ग का समास हुआ है। वैसे क्षमा वशीकृति ही ये तृतीय तत्पुरुष है। कैसे? क्षमया वशीकृति ही, क्षमा के द्वारा वशीकृति यानी वशीकरण, क्षमया वशीकृति ही तृतीय तत्पुरुष है। वैसे वशीकृति ही शब्द का अर्थ क्या है? जो वश में नहीं था उसको वश में लेना, तो उसको कहते हैं वशीकरण। तो इस प्रकार से दीर्घ इकार का रूप होता है, जैसे आप कहते हैं स्वीकार, यानी जो स्व नहीं था उसको स्व बनाना, यानी जो अपना नहीं था उसको अपना बनाना, उसको कहते हैं स्वीकार करना। तो इस प्रकार से वशीकरण करना यानी जो पहले वश में नहीं था बाद में वश में होता, तो कौन बाद में वश में कर लेता है? क्षमा। तो क्षमा वशीकृति ही, तो यहाँ पर एक तो त्वी प्रत्यय है जो वशीकृति है और क्षमा वशीकृति जो है ये तृतीय तत्पुरुष का प्रयोग है। और क्षमया किम न साध्यते, इस पाठ में कहीं कहीं पर कर्मवाच्य का प्रयोग है, तो हम कर्मवाच्य के प्रयोग आपको आगे चलकर ज़्यादा अच्छे से सिखाएंगे जब आप हायर क्लास में आएंगे। तो भी आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे अंग्रेजी में होता है एक एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस, तो वैसे ही संस्कृत में या कोई भी भाषा में, भारतीय भाषा हो या विदेश की भाषा भी कोई हो, तो उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सिस्टम हर किसी में है। उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो यहाँ पर कुछ कर्मवाच्य के प्रयोग हैं, जैसे कि क्षमया किम न साध्यते, ये है कर्मवाच्य का प्रयोग। वैसे ऊपर भी एक श्लोक में आपने देखा होगा सत्येन पृथ्वी धार्यते, ये भी कर्मवाच्य का प्रयोग है। जैसे कि मूढ़े ही रत्न संज्ञा विधीयते, ये भी कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो इस प्रकार से कई सारे कर्मवाच्य के प्रयोग यहाँ दिखते हैं और हम कर्मवाच्य को डिटेल्स में जब आप आगे 8वीं या 9वीं कक्षा में आएंगे तो आपको ज़्यादा उदाहरण मिलेंगे और तब उसकी हम उसका जो व्याकरण नियम है हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर अभी ये पाठ समाप्त होता है। आपके लिए हमारा एक आग्रह है कि संस्कृत में ज़्यादा रटने वाला काम नहीं करना। जो कुछ गलत फहमी रहती है कि संस्कृत में बहुत कुछ रटना पड़ता है, वो बात नहीं है, किंतु जितने सुभाषित आप समझते हैं उतने को आप याद करके परमानेंट मेमोरी में रख लीजिए, ये जीवन में बहुत काम आएगा। अगर आप विद्यार्थी दशा में जब आपका स्कूल ख़त्म होता है कम से कम 100 सुभाषितों को याद करके निकलेंगे तो सोचिए वो आपके एक जीवन भर की पूंजी बनी रहेगी। तो ये जो पाठ है इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझिए, इनके शब्दों को अच्छी तरह से समझकर वाक्य में प्रयोग करके अभ्यास कर लीजिए और साथ ही साथ इन सुभाषितों को हमेशा के लिए अपने बुद्धि में रख लीजिए, स्मरण में रख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जीवन भर गाइड करते रहेंगे। और कभी आप अच्छे अच्छे जब निबंध लिखेंगे, कहीं भाषण के प्रतियोगिता में खड़े होंगे,
तो ये सुभाषित आपकी बड़ी पूंजी साबित होगी। चलिए, इससे ये पाठ समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संप्रति भवद्भिः श्रुतम् पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला, निर्माणं सहयोगश्च मीनाक्षी कुकरेति, तनु गुप्ता च, ध्वन्यांकनं शानु मुकसीमः, विकास सांगवानश्च, निर्माणं विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।